नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही डिफरेंट किस्म के कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं, और वो कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। मेरे देखे ये बहुत ही ट्रिकी कार्ड है। व्हाई ट्रिकी? बिकॉज इट गिव्स यू मैनी मीनिंग्स एंड मैनी डिफरेंट डायरेक्शंस इन विच यू कैन थिंक। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसकी कीवर्ड्स विच पॉप आउट आउट ऑफ दिस कार्ड। द कीवर्ड्स आर इन्वेस्टमेंट, इन्वॉल्वमेंट, टायर्ड, डिसअपॉइंटेड, एक्सपेक्टेशन, वेटिंग, ड्रीमिंग। These are some of the keywords. तो सबसे पहला एक जो एक्सप्रेशन जो इसके फेस के ऊपर आता है इस आदमी के, जिस तरह से वो अपनी लाठी के ऊपर जो है अपना सर रख के जो है खड़ा हुआ है, तो सबसे पहला एक्सप्रेशन जो आता है वो ये कि इज़ दिस इनफ और एम आई हैप्पी और लाइक Another expression could be like, what is happening? ये different kind of expression है जो कि इसके अंदर आ रहे हैं। He's saying, is that all there is? There must be more to life. That's what this man is trying to tell you. So, let's go into the interpretation. And interpretation मेरे हिसाब से इसके दो तीन takes हैं। इसके दो तीन डायरेक्शंस हैं जहाँ पे ये कार्ड आपको जो है डायरेक्ट कर सकता है। मैं उन दो तीन टेक्स की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल उस मोमेंट पे डिपेंड करेगा जब आप किसी के लिए रीडिंग कर रहे हैं, तो उस मोमेंट में जो बेस्ट सिनेरियो को देखते हुए जो टेक बैठता है उसकी बात की जाएगी। द मोर यू नो अबाउट द पर्सन हु यू आर डूइंग टैरो फॉर, द मोर ईजी It will be for you to tell what is best for this person when you see this card. So let's go into it. So my first take would be it's success without fulfillment. Nothing seems to be enough. Profit happening, but not enough that it makes you happy. Or in other words. मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि जो एक पहला इसका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू निकलता है वो ये कि दिस मैन इज़ नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट्स ऑफ प्रॉफिट विच ही गॉट। जो उसको प्रॉफिट मिला है वो उससे खुश नहीं है। फॉर एग्जांपल, उसने एक्सपेक्टेड था 10 लाख का उसको प्रॉफिट मिले, लेकिन 10 के बजाय 8 लाख का प्रॉफिट मिला। तो 8 लाख को सेलिब्रेट करने के बजाय वो 2 लाख के लिए रो रहा है कि 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 8 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हुआ उसको तो देख ही नहीं रहा है। सो दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल अस इन दिस सिचुएशन। एंड सेकंड टेक कुड बी यू नो दैट दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग विच ही डोंट वांट टू डू। ये आदमी वो काम करता आया है अपनी लाइफ में जो कि वो करना नहीं चाहता था, विच गिव्स हिम अनसेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मे बी ही इज़ अ डॉक्टर इन हिज लाइफ और अ लॉयर और समथिंग एल्स, एंड प्रॉब्ली ही जस्ट वॉन्टेड टू बी अ म्यूजिशियन। प्रॉब्ली ही इज़ अ सक्सेसफुल डॉक्टर एंड ही इज़ गेटिंग लाइक इनफ मनी, बट ही इज़ नॉट रियली हैप्पी विद दैट मनी बिकॉज द पैशन इज मिसिंग। सो ही इज सक्सेसफुल बट देर इज़ नो पैशन। सो मनी विदाउट पैशन will not make any difference. Success without passion will not make any difference. The real happiness of the success is only going to come in if you are really happy doing what you are doing. तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि काम वो चुनिए जो आपको पसंद है, जो आपको खुशी देता है, और उससे जो रिजल्ट आएंगे, उससे जो सक्सेस आएगा, that success will be something you know which you are going to enjoy. और इसके एडिशन में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 90% ऑफ हिज लाइफ व्हाट ही इज़ लिविंग, 90% ऑफ हिज लाइफ जो ये आदमी जी रहा है अपनी,
it's a fake kind of a life. It's only 10% of his life, you know, which he is. आप देखते हैं वो एक पेंटिकल अलग से पड़ा हुआ है, बाकी के पेंटिकल्स जो हैं वो अलग से हैं. तो वो 10% उसका जो है लाइफ का, दिस इज समथिंग विच ही लिव्स अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ, बट द रेस्ट ऑफ द 90% और 80% ही लिव्स इट अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी और अकॉर्डिंग टू समथिंग विच ही इज डूइंग विच ही इज नॉट हैप्पी अबाउट. तो विच जिसकी वजह से वो जो 10% वाला जो पेंटिकल जो उसके पास पड़ा हुआ है वो उसको रिमाइंड कराता रहता है कि वॉट ही एक्चुअली वॉन्ट्स, उसको लाइफ में क्या खुशी देगा, क्या वो काम करे जिससे उसको खुशी मिलेगी. ये पेंटिकल उसको बार बार वो रिमाइंड कराता है, और वो ये भी रिमाइंड कराता है कि वो जो बाकी के 90% पेंटिकल्स हैं उसको भी जो है ही शुड लिव दोस, ही शुड स्टॉप लिविंग अकॉर्डिंग टू पीपल और सोसाइटी और पेरेंट्स. He should live what he always want to live. इसलिए सिर्फ इसी वजह से जो हम इसके फेस में वो जो एक एक अनइजीनेस देखते हैं, एक टें एक एक तरह का जो है अनसेटिस्फैक्शन देखते हैं, वो ये सब कुछ रीजंस है. और एक जो कि बहुत कॉमन जो इसमें टेक है, जो कि बहुत सारे टैरो रीडर्स इसको यूज़ करते हैं, वो ये कि दैट 90% ही हैज़ इन्वेस्टेड हिज वेल्थ इन टू समथिंग, कीपिंग 10% जस्ट बाय हिमसेल्फ. वो 90% उसने वेल्थ जो है इन्वेस्ट कर दी है, एंड नाउ ही इज़ वरिड वॉट इज़ गोइंग टू बी द रिजल्ट. ही हैज़ इन्वेस्टेड दैट मनी, ही कुड सी ऑल्सो इट्स ग्रोइंग, बट स्टिल देर इज सम अनइजीनेस, ही इज़ नॉट श्योर वॉट ही हैज़ इन्वेस्टेड इन टू. प्रॉब्ली आपने किसी ऐसे शेयर्स में पैसा डाल दिया जिसका आपको श्योर ही नहीं है कि भाई इसका क्या रिजल्ट आएगा. सो दिस इज़ वन एस्पेक्ट विच इज इट इज़ टॉकिंग अबाउट. या फिर ये कहें कि उसका 90% जो वेल्थ है वो फंसा हुआ है, द ओनली रिलीज वेल्थ व्हाट ही हैज इज 10%. सिर्फ उसके पास 10% वेल्थ है जिसके जिससे जो है वो अपना गुजारा कर रहा है, और उसका 90% वेल्थ जो है फंसा हुआ है जिसको वो निकाल नहीं पा रहा है. इसलिए वो अनइजी है, इसलिए वो जो है अनहैप्पी है. और कार्ड का फाइनल टेक जो कि मैं आपको देना चाहूँगा वो ये कि ये आदमी हो सकता है इसके पास ये असली में सिर्फ ये 10% है, और वो 90% वो जो है वो इमेजिन कर रहा है. कुछ ऐसा समझिए कि आपने एक काम शुरू करा छोटा सा, और आपने एक दिन के 1,000 रुपये कमा लिया. अब आपने जो है उस 1,000 रुपये की इमेजिनेशन कर ली 10 साल की, कि अगर मैं एक दिन में 1,000 रुपये कमाऊँगा तो एक महीने के 30,000 हो जाएंगे, इस तरह से साल भर में इतने 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 हो जाएंगे. सो इट्स लाइक अ डे ड्रीमिंग विच इज़ हैपनिंग. तो अगर आप देखेंगे कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो दिस इज़ मोर एप्ट व्हेन इट इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू इज लाइक दिस मैन इज़ डे ड्रीमिंग. दिस मैन इज़ डे ड्रीमिंग बिकॉज ही हैज़ ओनली वन पेंटिकल, एंड ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ दैट वन पेंटिकल एंड मेकिंग इन टू लाइक 10 times मोर. सो दिस मेक्स हिम अनइजी, एंड दिस मेक्स हिम far away from reality, and is trying to give you a message that come back to your senses, come back to reality. So ye sare takes se jo maine baat kari aapse 7 of Pentacles ki, aur jaise maine kaha ki it's important to understand ki tarot card ka ek meaning nahi hota. Jab bhi aap card nikalenge it will mean something else for somebody else. So like four people sitting in front of you and they pull up the same card, that will mean a different thing for them. Unke liye different meaning hoga kyunki unki life alag hai, unki energies alag hai, they come from a different background. So this card will stand something else. Aur wo to hai hi. Ab in cards ko bhi dekhiye jo ki aapko dikhenge ki jisme they talk about different things. They're not just talking about one thing, and probably they are just giving you this option to explore within yourself. Ki choose the best, what is according to that moment. Is moment ke hisab se aap kya choose karenge apne liye? This is what the card is trying to tell you. So, this was my reading for 7 of Pentacles. I hope you liked it. Do subscribe to my channel. Thank you so much. Namaste.